परंपराम। हजूर हरु आरामई हनु हुन्छ। आप सब ठीक हैं? आप सबके घर परिवार में सब आनंद है? चलो भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से आप सबके घर में यूं ही आनंद बरसता रहे। आपके घर में, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें, सदा आप सुखी और स्वस्थ रहें। प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है आज हम सब यहाँ मिले। बहुत पहले नेपाल आने का सौभाग्य मिला पर आ नहीं पाया कोरोना लॉकडाउन के कारण। आज आप सबका दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। ये नेपाल इतनी पवित्र धरा है, यहाँ जब हम आए और यहाँ आप सबका दर्शन किया, यहाँ का पारंपरिक जो संगीत हमने सुना, और ये देखिए हमारे गले में ये जो सुंदर सी माला है, हार है, कितना सुंदर है। आप नेपालवासी ही पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि आप प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। आप प्रकृति के जितने करीब हैं शायद कोई हो। प्रकृति को आप अपने गले की माला बनाकर धारण करते हैं, प्रकृति को इतना प्यार करते हैं। इसलिए जब मैं आया तो मुझे लगा कि नेपाल प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। आप सब शुद्ध वायु लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। इसलिए आप सभी एक बार बोलिए, नेपाल आमा को जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आप सभी नेपालवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये दास को यहाँ आने का अवसर दिया। हमारे मानव सेवा फाउंडेशन श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी महाराज, जिन्होंने इस यज्ञ का संकल्प लिया और आप सब, हम सब जुड़ पाए इस सुंदर से संकल्प से। एक बार सुंदर तालियां आयोजनकर्ता समिति पूज्य महाराजा श्री के लिए। पूज्य श्री चैतन्य कृष्ण महाराज जी यहाँ पधारे और आप सभी के श्री चरणों में दास का पुनः कोटि कोटि नमन। अब आप सब ये बताएं कि आप में से कितने लोग वृंदावन आए हैं, गौरी गोपाल आश्रम आए हैं? मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ, आप सब जल्दी से जल्दी वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम आए। और गौरी गोपाल आश्रम में जितनी वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, वहाँ जितनी सेवाएं चल रही हैं, अपनी आंखों से आकर के वहाँ की सेवाओं को देखें। आज जानते हो ये अनिरुद्ध आपके बीच में क्यों आया है? यहाँ मुझे भगवान पशुपतिनाथ जी ने बुलाया है, उन्होंने बुलाया आप सबके माध्यम से और ये दास चला आया। तो जानते हैं भगवान पशुपतिनाथ जी ने हमें क्या कहने के लिए बुलाया है? आप जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? भगवान पशुपतिनाथ जी कहना चाहते हैं, देखिए भगवान कभी डायरेक्ट नहीं कहते, भगवान किसी से कहवाते हैं। जब हनुमान जी लंका गए तो राम जी ने नहीं कहा कि लंका जला के आना। त्रिजटा को एक सपना आया कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। तो त्रिजटा ने माता सीता को सपना सुनाया और कहा कि आज मैंने सपने में देखा कि एक बंदर आया और पूरी लंका को जला करके चला गया। जब त्रिजटा का सपना हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी को लगा कि त्रिजटा के द्वारा स्वयं हनुमान जी ये समझ गए कि प्रभु राम ये कहना चाहते हैं कि जब लंका गए हो तो फूक के आना है, लंका गए हो तो रावण के घमंड को जला कर ही आना।
मानो ये संकेत हनुमान जी के द्वारा, त्रिजटा के द्वारा हनुमान जी तक राम जी ने पहुंचाया। उसी तरह एक सुंदर सा संदेश आपके बीच में ये दास अनिरुद्ध लेकर के आया है, और वो संदेश सिर्फ इतना है कि आज नेपाल में आप सब संगठित रहें। आपको पता है जब जब हम जातियों में बंटते हैं तब तब हम बहुत बड़ी हानि कर लेते हैं अपनी। अच्छा बताइए आप सब लोग, क्या हमें जातियों में बंटना सही है? उत्तर दो। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बैठ लो मेरी माँ, सुन लो, हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। नेपाल में जातियों में लोग बंटे हैं या नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। नेपाल के लोग जातियों में तो नहीं बंटे, हम सबकी एक जाति है, हम सबकी जाति है मानव जाति, हम मनुष्य हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हम सब मानव हैं, हम सब मनुष्य हैं, और हम जातियों में ऊंच नीच में ना बटें, हम संगठित रहें। आज नेपाल में जानते हो, आप सबको पता होगा कि आज पूरे नेपाल में धर्म परिवर्तन की घटनाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं। आप कितने लोग जानते हैं कि नेपाल में धर्म परिवर्तन हो रहा है? कितने लोग जानते हैं बताइए, ये धर्म परिवर्तन होना सही है? उत्तर, तो धर्म परिवर्तन को कितने लोग रोकना चाहते हैं? तो आप सबको भगवान पशुपतिनाथ जी ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि आप सब एक मुहिम क्यों नहीं चलाते? ये जितने हमारे मीडिया के भाई हैं, आप जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें भाई सब, एक मुहिम चलाइए और गांव गांव में घर घर में जाकर के लोगों को समझाइए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में रहना ही श्रेष्ठ है, अपने धर्म का त्याग कर देना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हम सबको अपने धर्म में अडिग रहना चाहिए। और आप सब अपने धर्म का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? अच्छा बताओ, यदि धर्म परिवर्तन हुआ तो आज हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र है या नहीं? उत्तर दो। हिंदू राष्ट्र है कि नहीं नेपाल? हाँ या ना? हाँ, तो हिंदू राष्ट्र है। और कौन कौन चाहता है कि ये सदा हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल? चाहते हो हिंदू राष्ट्र? यदि चाहते हो तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए और ये काम आपको करना पड़ेगा कि आप नेपाल में जो धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है उस धर्म परिवर्तन को रोकना पड़ेगा। कैसे रुकेगा? हम सब जागें, ये मीडिया वाले भाई जाएं, सवाल करो, जो धर्म परिवर्तन कर लेते पूछो कि तुमने धर्म छोड़कर क्या पा लिया, क्या पा लिया और आगे क्या पाओगे? जो व्यक्ति अपने धर्म, हमारे यहाँ मर गए लोग लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अच्छा बताइए, राम के पास क्या है, धन या धर्म? बोलो, रावण के पास क्या है, धन कि धर्म? रावण के पास धन है, धर्म नहीं, और राम के पास धर्म है, धन नहीं। हाँ या ना? लंकापति रावण सोने की लंका में रहता है, बड़ा धनवान है, पर उसके अंदर धर्म नहीं है। अरे धर्म होता तो पराई स्त्री का अपहरण क्यों करता? इसलिए रावण के पास धन तो है पर धर्म नहीं है। जबकि राम 14 वर्ष वनवास में थे, उनके पास धन नहीं था पर धर्म था। तो धर्म था तो आज घर घर में राम की पूजा होती है, धर्म था इसलिए। और धन था रावण के पास, धर्म नहीं था तो घर घर पुतले जलाए जाते हैं, गली गली पुतले जलाए जाते हैं रावण के।
आज आप कितने लोग मानते हैं कि धन से बड़ा धर्म है? धन बड़ा कि धर्म बड़ा, बोलो। अरे धर्म रहेगा तो धन आ जाएगा, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर धन करोगे क्या? इसलिए धन हो पर धर्म पूर्वक धन हो। यदि आपके धन में धर्म नहीं जुड़ा तो वह धन किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, नेपाल शब्द का जब मैं यहाँ आया, एयरपोर्ट पे आया, तो नेपाल का मैंने एक अर्थ दिमाग में आया कि नेपाल के लोग कैसे होते हैं, नेपाली लोग कैसे होते हैं, नेपाल का अर्थ क्या है। तो देखिए, नेपाल जो नेकी का, ने मतलब नेकी, नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करें वो नेपाली हैं। जिनके हृदय में सदा नेकी बसती हो वो नेपाली है। नेपाली का मतलब क्या हुआ, नेपाल का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर नेकी बसती हो, मतलब जिसका हृदय नेक हो। नेक समझते हैं ना, अच्छा, गुड। तो आप सब नेक दिल वाले हैं, नेक हृदय वाले हैं, इसलिए आपको भगवान ने नेपाल में भेजा है। जाओ नेपाल की धरती में, आप यहाँ जाकर नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान की सेवा करो, गंडकी माता की सेवा करो और शालिग्राम भगवान की सदा सेवा करो। आप सब अपने धर्म के प्रति अडिग रहना। हमारे देखिए, कुछ लोग होते हैं हमारे नेपाल और भारत, ये दोनों देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते तो नेपाल में हैं पर गुणगान किसी और देश का करते हैं। इसलिए आप सबको ये बता दो कि जिस माटी में हो ना, उस माटी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, उस माटी से प्यार होना चाहिए, माटी के साथ विश्वासघात नहीं। अच्छा ये बताओ, दोस्त कैसा हो? आज मैंने सुना नेपाल का दोस्त कौन है, भारत और आसपास के जितने देश हैं, आप किन देशों से दोस्ती करना चाहेंगे बताइए। आपसे मेरा सवाल है, आप नेपालवासी, आपके पास में बहुत सारे देशों की सीमा है, किस देश से आप दोस्ती करना चाहेंगे, किससे, किससे, जोर से, भारत से, भारत से दोस्ती करना चाहेंगे? भारत तो सदा आपके साथ है और सदा हम और आप कभी दो थे ही नहीं, एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और जो लोग भारत और नेपाल के बीच में कोई जहर घोलने का कार्य करें तो समझ लेना कि ये दोनों देश का नुकसान चाहता है। अच्छा ये बताइए, हमारे भारत से लोग हजारों की संख्या में पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आते हैं कि नहीं, बोलो हाँ, हाँ या ना। भारत से हजारों लोग गंडकी माता का दर्शन करने आते हैं कि नहीं, भारत से लाखों लोग शालिग्राम भगवान लेकर जाते हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि भारत की आस्था नेपाल से जुड़ी है, भारत नेपाल को अपना मानता है, भारत के आने से नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जरा विचार करो कि चाइना अगर नेपाल आया तो चाइना क्या पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने आएगा, क्या गंडकी का दर्शन करने आएगा, क्या वो शालिग्राम भगवान की पूजा करने आएगा? अरे चाइना को नेपाल के धर्म से क्या करना, नेपाल की संस्कृति और नेपाल के धर्म से तो भारत का अटूट रिश्ता रहा है। इसलिए भारत और नेपाल, इन दोनों देशों के बीच में कभी किसी भी प्रकार की लकीर ना खींचे, क्योंकि हम दोनों यदि मिलकर रहेंगे तो निश्चित है कि हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूँ,
समृद्ध रहेंगे, हम सब खुशहाल रहेंगे। और आपने यदि दोस्ती उन लोगों से कर ली जिन्हें गंडगी माता और शालिग्राम भगवान और पशुपति नाथ जी से कोई लेना देना नहीं, तो सोचिए इस धर्म का, इस संस्कृति का क्या होगा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सब भारत आइए और गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं का दर्शन करिए। और सावन का ये पावन पर्व है, आप कितने लोगों ने सावन में व्रत रखा है? रखा है? भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं कि नहीं? कौन सा जल? कौन सा जल? सारे जल चढ़ाओ, पर भगवान शिव को पता है कौन सा जल पसंद है? भगवान शिव को नेत्रों का जल पसंद है। इतना प्रेम उमड़ना चाहिए आपके भीतर शिव के प्रति कि आंखों से अश्रु धार बह पड़े और शिव जी के ऊपर जाकर चढ़ जाए। ऐसी नेत्रों की धारा भगवान शिव को क्या पसंद है बताइए? प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जाननी हारा। राम को क्या पसंद है बोलो? नेपाल वासियों को क्या पसंद है? क्या पसंद है? नफरत पसंद है या प्रेम? क्या पसंद है? प्रेम। आप सब नेपाल वासियों को प्रेम पसंद है। और हमारे प्रभु राम भी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए प्रेम से मिलजुल करके रहिएगा। अच्छा बताओ नेपालवासी आप कितने भाई हैं? जोर से कितने भाई हैं आप लोग? हम सनातनी, आप में से कितने लोग सनातनी हैं? सत्य सनातन धर्म को जानने और मानने वाले कितने हैं? हाथ उठाओ सब। तो सुनो, हम सभी सनातनी, चाहे भारत में हो या नेपाल में हो या भूटान में हो या जापान में हो या अमेरिका या लंदन, कहीं भी सनातनी हो, सनातनी चार भाई हैं। कितने भाई? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं और हम चारों सदा से भाई रहे हैं। कुछ लोगों ने ये जातिवाद का जहर घोलकर हम लोगों को आपस में लड़ाने का कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कभी षड्यंत्र में मत उलझिएगा। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने नारा दिया, फूट डालो शासन करो, और उस फूट डालो शासन करो के तहत भारत को खूब लड़ाया जातियों के नाम पर, और हम आपस में लड़ते रहे और कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा भारत। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम जब जब लड़े हैं तब तब बटे हैं। इसलिए आप लड़ना चाहते हैं या संगठित होके रहना चाहते हैं? कितने लोग संगठित होके रहना चाहते हैं? तो फिर आप कभी मत लड़िएगा कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। हम चारों भाई हैं और एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। यदि हम बट जाएंगे ना तो मिट जाएंगे। इसलिए अपने आप को बटने मत दीजिएगा। जो बट गया वो मिट गया। रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां संसार की समृद्धि है, सुख है, शांति है। और जहां आपस में लड़ाई झगड़ा है वहां सिवाय दुख के कुछ नहीं। इसलिए संगठित रहे, हम सब संगठित रहें। आप सब भगवत चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें और अपने धर्म को समझें। धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ नेपाल के लोग शराब पीते हैं कि नहीं? हाँ या ना? शराब पीते हो? हाँ या ना? ना? हाँ, शराब नहीं पीना। शराब पियोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खान पान को पवित्र करिए। आप लोग मांसाहार तो नहीं करते ना? शुद्ध शाकाहारी है? कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? शाकाहारी हैं? कभी भी अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए।
हमें अच्छा लगता है इसलिए हम किसी को मार कर खाएं, कितना बड़ा पाप है। बताइए, अपने स्वाद के लिए किसी को मारना सही है? इसलिए जीव हत्या पाप है। इसलिए हम भारतीय, हम सनातनी है ना, हम हिंदू है ना, हमें कभी अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं करनी। हमारे धर्म में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। किसी की हत्या करना पाप है और किसी को जीवन दान देना पुण्य है। इसलिए आप किसी की हत्या ना करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शराब इत्यादि से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं, राष्ट्र प्रेमी बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि वो देश में अपना नाम रोशन करे, भारत का, और वो अपने नेपाल का, वो अपने समाज का, अपने संस्कृति का, अपने धर्म का वो नाम रोशन करे, ऐसा कुछ करे। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, शराब, जुआ, नशा, इन सबसे बचाइए। आज के जमाने में पता है क्या है, आज की आधुनिकता में हम इतने भागे जा रहे हैं कि आधुनिक होने के नाम पर, हम मॉडल होने के नाम पर अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप कितने लोग मांसाहार और शराब से बचेंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे और अच्छे संस्कारवान बनके अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने आनंद के साथ दास अनिरुद्ध को सुना, हमें आपके बीच में आने का मौका मिला। आप सबको मेरी प्रार्थना है, आचार्य चरणों को प्रार्थना है, मंचस्थ सभी भक्तजनों को प्रार्थना है कि आप सब वृंदावन आए, गौरी गोपाल आश्रम में आए, और गौरी गोपाल आश्रम आकर वृंदावन में, वहाँ वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। 281 वृद्ध माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, 150 बच्चे वहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं, अखंड लंगर रसोई चलती है, सब आकर के प्रसाद पाते हैं। ये सारी सेवा बिहारी जी ने दी है। बोलिए वाकई बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे राधे। आप सबके चरणों की धूल को कोटि नमन करता है। आप सभी नेपाल वासियों को बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सभी के चरण रज को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम। आप सभी के गुरुजनों को प्रणाम। आप सब यहाँ प्रेम पूर्वक बैठे हैं, आप सब ने इस सुंदर से आयोजन में सम्मिलित होकर भगवान शिव का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। हमारे श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी जो संकल्प करता है, और रामकृष्ण उपाध्याय हिंदू जागरण नेपाल अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभा को उपाध्यक्ष माननीय श्री विमला धीमरे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य महाराज जी और आप सभी मंचस्थ सभी आचार्यों को, मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेपाल आमालो आमा को जय, भारत माता की जय, गंडगी मैया की जय, शालग्राम भगवान की जय हो, पशुपति नाथ भगवान को जय हो। धन्यवाद श्रीमद्भ्यः विद्वद्भ्यः भागवत भूषणेभ्यः श्री अनिरुद्धाचार्य महाभागेभ्यः। ते अस्माकं प्रार्थनां स्वीकृत्य, निवेदनं स्वीकृत्य अत्र आगत्य अस्माकं कृते आशीर्वचांसि दत्तवन्तः। तेषां कृते पुनः पुनः अपि अहं धन्यवादान् ज्ञापयितुम् इच्छामि। यही बीचमा सानो आसन ग्रहण। अब भने बीचमा सानो उपस्थितिले पुनः धार्मिक पर्यटनको बढावा हुने, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक क्षेत्रमा एउटा छुटो ठुलो एउटा छलाङ मार्ने हामीले आशा, भरोसा र विश्वास गरेका छौँ।
धेरै धेरै आभार सबैजनालाई र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा हाम्रा गतिविधिलाई हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई विमानस्थलदेखि यहाँसम्म र यहाँबाट फेरि विमानस्थलसम्म र अहिले पनि यहाँ सञ्चार माध्यमले जुन प्राथमिकताका साथ उहाँलाई स्थान दिनुभएको छ यहाँहरूबाट धेरै धेरै हामी ऋणी छौँ। यहाँहरूको धेरै सहयोग साथ माया र सद्भाव पाएका छौँ। मिडियाकर्मी जति पनि हुनुहुन्छ आफ्नो प्रेस कार्ड आफ्नो साथमा राखिदिनु हुनेछ। अन्य धेरै व्यक्तिहरू हुलमुल छ यहाँ नचिन्न सकिन्छ। त्यही भएर सानोतिनो कुराहरूलाई यहाँहरूले इस्यु नबनाएर आफ्नो यो व्यवस्थापनलाई पनि आफै सहयोग साथ गरिदिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु सुरक्षाकर्मीज्यूहरू। यसरी हाम्रो सशस्त्र प्रहरी नेपाल अत्यन्तै खुसी छौँ र करोडौँ करोडौँ भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँका र उहाँको यहाँ आगमनले भारतबाट 1,40,00,000